बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर, मेरे छोटे बेटे की तबीयत ख़राब है, तो मैं उसको बलगम रेशा है, साइनस प्रॉब्लम है, तो देसी मुर्गी की यखनी बना रही हूँ। इसमें मैंने देसी मुर्गी की नेक ली हैं, और समझ लो नेक और एक दो बोटी है, चार से पांच अदद इसमें देसी मुर्गी की बोटियाँ ली हैं, और चार से पाँच ही कप इसमें मैंने पानी लिया है। अब मैं इस यखनी में ये इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, जिसमें हमारे पास ड्राई अनियन, प्याज, खुश्क प्याज, ड्राई लहसुन पाउडर और अदरक का एक टुकड़ा है 1 इंच का, जिसको क्रश कर लिया, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2-3 लौंग है, कुछ 8-10 काली मिर्चें हैं, एक बड़ी इलायची है, और एक ये है, और थोड़ी सी मेरे पास है अदरक, जो मैंने इसमें है टर्मरिक हल्दी, वो है, और जो मैंने घर में ही होममेड ड्राई करके रॉ हल्दी को सुखाया था, फिर उसको पाउडर फॉर्म में किया। इतना फाइन पाउडर नहीं हुआ, लेकिन ये हम सूप में और वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन इसमें 8 से 9 इंग्रेडिएंट हैं जो मैं डाल रही हूँ, और लास्ट टाइम में जब ये जो टेंडर हो जाएगा और 1 घंटा पक जाएगा स्लो फ्लेम पर पक जाएगा, तो फिर मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा चिकन पाउडर भी डाल दूँगी, जिससे और इसका यखनी का टेस्ट इन्हेंस होकर फ्लेवरफुल हो जाएगा। इसके साथ ही अब लास्ट टाइम में मैं इसको जब ये टेंडर होगा 1 घंटे बाद आपको फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इंशाल्लाह ये बीमारों के लिए ये यखनी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त होगी, और ये यानी कि वो है ना कि केयर के साथ, इलाज के साथ अच्छी डाइट हो भी होना ज़रूरी है और केयर भी होना ज़रूरी है, तो ये यखनी भी सीने के अंदर जो बलगम रेशा होगा उसको ख़त्म करने में, रिमूव करने में एक अच्छा काम करेगी। ये हमारी यखनी तैयार है, जिसमें मैंने लास्ट टाइम में सिरके 1 टीस्पून डाल दिया, 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला, और 1 टीस्पून जो है चिली सॉस डाला ताकि थोड़ी स्पाइसी हो, और जो है सिक पीपल को भी फ्लेवर आए और वो पिए, क्योंकि साइनस प्रॉब्लम में भी टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है मुंह का, और फ्लेवरफुल चीज़ चाहिए होती है, इसीलिए ये यखनी जो कि सिक पीपल के लिए बहुत ही बेस्ट है और परफेक्ट है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकअल्लाह।